हे गाइस, वेलकम टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आलो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अपने बात करने वाले हैं कि आरआरबी पीयू इंटरव्यू के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ चाहिए। तो कंप्लीट अपने डिस्कशन करने वाले हैं आरआरबी पीयू इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारी चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, वो चाहिए जो भी आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा। इंटरव्यू का आप लोगों का कॉल लेटर जो है ना, वो चाहिए सबसे पहले। ठीक है, नंबर वन पे आपको क्या चाहिए? इंटरव्यू कॉल लेटर आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म का आप लोगों को क्या चाहिए? प्रिंट चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का आप लोगों के पास प्रिंट होना चाहिए, जो जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास एक फोटो आइडेंटिटी, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, यानी फोटो आपके पास होना चाहिए, यानी फोटो आइडेंटिटी आपके पास होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, इसके यानी एड्रेस प्रूफ के रूप में भी होना चाहिए वो। इसके अलावा आप लोगों के पास में 10th क्लास की मार्कशीट जो भी आपकी है, और इसके अलावा +2 की मार्कशीट आपके पास, और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 10th की होनी चाहिए और +2 की आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई डिग्री वगैरह आप लोगों के पास में, यानी ग्रेजुएशन के साथ अपने डिग्री मिलती होती है, ठीक है, तो आपको डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अगर अगर किसी ने अभी भी ग्रेजुएशन की है तो उसको डिग्री नहीं मिल पाई, तो वो कॉलेज से एक बार अपना कन्फर्म कर लेना। ठीक है, और अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन, देखो पोस्ट ग्रेजुएशन का सीन क्या है, अगर किसी ने फॉर्म के अंदर लिख दिया अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उसको पीजी की डिग्री चाहिएगी। ठीक है, विद मार्कशीट, ग्रेजुएशन की भी 3 साल की मार्कशीट विद डिग्री आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डाला हुआ है फॉर्म में तो आपको चाहिए चाहिए। तो ये तो है मैंडेटरी, आप लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फोटो आप लोगों के होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास में, क्योंकि जो कॉल लेटर होगा इंटरव्यू वाला, उस पर लगानी होगी फोटो आपको। 7th में आपने बात करें तो जो भी आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं या ओबीसी वाले हैं या SC ST का आपका जो भी सर्टिफिकेट है, वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, वो आप लोग देख लेना, जो भी जिस हिसाब से आपको चाहिए वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट जॉब वगैरह में है, या प्राइवेट जॉब कर रहा है, या ओरिजिनल जॉब जो भी कर रहा है, तो उसको NOC वगैरह चाहिए, NOC उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर किसी के पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी वो आप साथ में लगा सकता है। ठीक है, तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। अगर कोई डिसेबिलिटी वाला है, PWD कैंडिडेट है, तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। और तो मेनली तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ये वाले डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास में तैयार रखना आप लोगों को इंटरव्यू के लिए। बाकी और भी कोई अपडेट आती है तो आप लोगों को बता देंगे अपने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए। और अभी तो ये है कि इतने डॉक्यूमेंट एक लाख तैयार कर लो आप लोग। तो उसमें आधार कार्ड आपका हो गया, 10th +2 हो गया आपका, ग्रेजुएशन के 3 मार्कशीट होगी, डिग्री आप लोगों के पास में होगी, PG हो गया आप लोगों के पास में। अगर जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस OBC ST वाले हैं, उनके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो, या टेलीग्राम पे जाके कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पे भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो।